टेक्निकल एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव 2019 की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। हम इस वीडियो में देखेंगे नगरीय निकाय चुनाव 2019 से जुड़ी 25 महत्वपूर्ण बातों के बारे में। नगरीय निकाय चुनाव करवाना राज्य सरकार का फैसला होता है और राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से नगरीय निकाय चुनाव कराए जाते हैं। वर्तमान में अर्थात नगरीय निकाय चुनाव 2019 के समय छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं ठाकुर राम सिंह। चुनाव अधिसूचना के साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो जाता है। चुनाव अधिसूचना एवं नामांकन प्रारंभ 30 नवंबर 2019 से और नामांकन डालने की अंतिम तिथि 6 दिसंबर 2019, नामांकन पत्र की जाँच 7 दिसंबर को होगी और नाम वापसी एवं चुनाव चिन्ह का आवंटन 9 दिसंबर को होगा। वोट डालने का दिनांक है 21 दिसंबर। नगरीय निकाय चुनाव 2019 का परिणाम 24 दिसंबर 2019 को जारी किया जाएगा। नगरीय निकाय चुनाव 2019 में कुल 151 नगर निकाय संस्थाओं के लिए चुनाव होगा, जिसमें नगर पालिका की संख्या 10 है और वार्ड की संख्या 542, नगर पालिका की संख्या 38 है और वार्ड की संख्या 753 है, नगर पंचायत की संख्या 103 और वार्ड की संख्या 1545 है। कुल 151 नगरीय निकाय के लिए चुनाव होगा, जिसमें वार्डों की संख्या 2480 है। नगरीय निकाय चुनाव में कुल 39,83,601 मतदाताएं भाग लेंगे और कुल 5,406 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। भिलाई चरोदा बीरगांव नगर निगम में चुनाव नहीं हो रहे, लेकिन भिलाई चरोदा बीरगांव नगर निगम की कुछ वार्डों में चुनाव हो रहे हैं। संभवतः 3 वार्ड में चुनाव कराए जाएंगे नगरीय निकाय चुनाव 2019 के साथ। नगरीय निकाय चुनाव दलीय आधार पर होता है। दलीय आधार कहने का अर्थ रहता है कि बीजेपी पार्टी का उम्मीदवार होगा, कांग्रेस का उम्मीदवार होगा, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी का उम्मीदवार होगा, आप पार्टी का उम्मीदवार होगा। इसी तरह के सभी दलीय आधार पर ये चुनाव कराए जाते हैं। इस बार नगरीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से होगा, मत पत्र के माध्यम से होगा। हम लोग वोट डालेंगे बैलेट पेपर पर, उसे एक पेटी में डालेंगे, उसी आधार पर होगा। इससे पहले नगरीय निकाय चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से होता था। पार्षद का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा वोट डालकर किया जाएगा। नगरीय निकाय चुनाव 2019 में पहली बार नोटा कोई नहीं का प्रयोग किया जाएगा। अध्यक्ष महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पार्षद के द्वारा किया जाएगा। पहली बार राज्य में ऑनलाइन निर्वाचक नामावली तैयार की गई है। पार्षदों को नामांकन फार्म ऑनलाइन ही भरना होगा, हालांकि ये वैकल्पिक है, ऑफलाइन भी भरा जा सकता है। ये सभी जानकारी यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। नगरीय निकाय चुनाव 2019 से जुड़ी 25 महत्वपूर्ण बातें के बारे में जानें जो इम्पोर्टेंट होते हैं।